सिलेबस आप लोग खरीद लेंगे। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस आप खरीद लेंगे। यहाँ राजस्थान बोर्ड का नहीं मिलता है तो सीबीएसई बोर्ड की यूपीएससी बोर्ड की ऐसी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यूपीएससी बोर्ड आप से खरीद लें। आज का तो हमारा करंट सेशन होगा, एक ही बच्चा जिसने वीडियो ऑन किया है मित्रों, कोई वीडियो और ऑडियो अपना ऑन नहीं करेगा, बार बार हमें ये नहीं करना पड़े मेरे को इसको बंद कर लो या ऑफ करो। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टैक्सेस पे। साहिल सोनी, साहिल सोनी बंद करो अपना वीडियो ऑडियो। आज हम बात करेंगे टैक्सेस पे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा उस टॉपिक की एक विशेषता ये रहेगी कि वो आगे वाले जो ग्रामर के तीन चार टॉपिक है उन टॉपिक में कनेक्टेड रहेगा, इसलिए अपन को टॉपिक टू टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है। देखिए हमारा जो सिलेबस होगा 2021 का, 2020-21 का जो सिलेबस होगा 2020-21 इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मैं आपको ग्रामर के टॉपिक्स बता देता हूँ। उसमें नंबर एक होगा आपका टेंसेज, नंबर दो होगी आपकी वॉइस, इसके बाद में नरेशन होगी, और नरेशन के बाद में आपके क्लॉजेज। दीज आर फोर टॉपिक्स, ये चार टॉपिक हैं जो आपके इंग्लिश के सिलेबस में एजुकेशनल सेशन 2021 के लिए होंगे। अब अपन को ये देखना है कि ये जो टेंसेज का जो टॉपिक है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना कि इस टॉपिक से ही आपके आगे के तीन टॉपिक कनेक्टेड रहेंगे। यानी बिना टेंसेज को अच्छी तरीके से, राहुल आपका ऑडियो ऑडियो ऑन है, क्यों ऑन कर रखा है आपने बार बार, क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा आपकी मीटिंग से। बिना ऊपर वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक के अपन आगे वाले तीन टॉपिक नहीं बनाएंगे। और देखिए सबसे पहले आज अपन बात करेंगे टेंसेज, तो चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स यदि टेंसेज की अपन बात करें तो आप सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं टेंसेज को, सिक्स क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं टेंस। ये जो टेंस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, मेजर टाइप्स ऑफ टेंसेस आप थी। मेजर जो टाइप्स है टेंसेस की वो कितनी है, थ्री। एक तो हो गया आपका प्रेजेंट, एक हो जाएगा आपका पास्ट, और एक हो जाएगा आपका फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस हो गए। देखिए अपन को इनकी आइडेंटिफिकेशन को लर्न करना है। जब तक अपन इनकी आइडेंटिफिकेशन को लर्न नहीं करेंगे तब तक अपन सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेज। ये अपने तीन प्रमुख टेंस है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान, इसे कहते हैं भूतकाल, और ये हो जाएगा आपका भविष्य का।
टेंसेस को अलग तरीके से पढ़ाना हमने। अब तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे उससे यदि अपन देखें तो ये थोड़ा अलग पैटर्न होगा, यानी कि सिंगल स्ट्रक्चर से अपन टोटल टेंसेस को पढ़ेंगे। हिंदी का जो वाक्य होता है, देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो दिया गया वाक्य होता है उसको हम कैसे पहचाने कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए गिवन सेंटेंस दैट व्हाट टेंस इज द गिवन सेंटेंस इज रिलेटेड टू, कि ये कौन से टेंस से रिलेटेड है ये अपन कैसे पता करें। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर जो आपकी पहचान होगी वो होगी है, यानी किसी वाक्य के अंत में। हिंदी की पहचान बता रहा हूं मैं, हिंदी के वाक्य में यदि है आता है तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। है के है का तो मतलब है मेरा वो सारे वर्णों से है, है हा ही ही ऊ हे खाई को औ हम है, यानी कि जो 12 कड़ी के जो 12 स्टॉप्स हैं वर्ण हैं वो सारे के सारे। और इसके अलावा भूतकाल की बात करें तो इसमें आता है आपकी पहचान के लिए थै, यानी थै था थी थी थू थू थे खाई, ये सारे के सारे जो है वो इसी की पहचान होती है। कई बार सेंटेंस में ये नहीं होते तो इसकी जगह आ ई और ए की साउंड होती है। क्या होती है? साउंड, ध्वनि आती है। जैसे कि वह उसने खाना पकाया, पकाया यानी आपकी ध्वनि आती है। अब पकाया था ये भी हो सकता है, तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि कई बार इसमें पकाया पर भी सेंटेंस उठ जाता है, लास्ट के था की खेते नहीं होते हैं, तो अपन को ये भी देखना है कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में आ ही एक ही साउंड आती है तो वो जो हमारा वाक्य होगा वो भूतकाल का होगा, पास्ट टेंस का होगा। इसमें आता है आपका गय, गय गा गी जैसे जो शब्द होते हैं वो शब्द आपको उसमें देखने को मिलते हैं। मैं 4-5 सेंटेंस लिखता हूं, आप देखिए अपने हिंदी में सेंटेंस लिखा, रवि खाना नहीं पकाता है। इसमें क्या आ गया? तो वाक्य प्रेजेंटेंस का हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, श्याम एक पत्र लिख रहा है, इसमें भी क्या आ गया? तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। अपन ने एक सेंटेंस को लिखा, मोहन मोहन गाना गा रहा था, या देखिए था आ गया इसमें, इसका मतलब भूतकाल का वाक्य हो गया। और देखिए अमन कक्षा में, अमन कक्षा में खाना खाएगा, अमन कक्षा में खाना खाएगा, देखिए लास्ट में आ गया गा, तो वाक्य हो गया फ्यूचर टेंस का। और देखिए मोहित अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है, मोहित अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। तो यहां देखिए है आ गया, तो ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। एक सेंटेंस और देखिए,
अंकिता रविवार को फल नहीं खाती थी। या देखिए अंत में थी आ गया, इसका मतलब पास्ट टेंस लगा के रोहित मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। देखिए अंत में आ गया, इसका मतलब परसेंट टेंस का वाक्य है। मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जो अपन ने आइडेंटिटी से लिखी कि यदि किसी हिंदी के वाक्य के अंत में है आता है तो वो परसेंट टेंस का वाक्य होता है, किसी हिंदी के वाक्य के अंत में जैसा कि में से कुछ आता है तो वो पास्ट टेंस का वाक्य होता है, और किसी भी हिंदी के वाक्य में जैसा दिया जाता है तो वो आपका फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। और हमने यहां पहचाना, देखिए यहां सेंटेंस में है आ रहा है तो ये परसेंट टेंस का वाक्य है, यहां भी है आ रहा है परसेंट टेंस का वाक्य, यहां आ गया तो पास्ट टेंस का वाक्य हो गया, यहां आ गया तो फ्यूचर टेंस का वाक्य हो गया, ये आपका है आ गया तो परसेंट का हो गया, ये आपका था आ गया तो पास्ट का हो गया, ये आपका है आ गया तो फ्यूचर टेंस का वाक्य हो गया, सॉरी परसेंट टेंस का वाक्य हो गया। लेकिन हमारे जो शिक्षाविद हैं उन शिक्षाविदों ने प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा, ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा, चार भाग में देखिए। पहला तो हमारा टेंस है वो है आपका इंडेफिनिट, आप इसको सिंपल भी कहते हैं, पहला कौन सा है इंडेफिनिट, आप इसे सिंपल भी कह सकते हैं, तो ये हमारा पहला हो गया इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, ये आपका दूसरा टेंस हो गया जिसको आप कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। तीसरा टेंस हो गया आपका परफेक्ट, चलो सर इसे परफेक्ट के नाम से जान लेते हैं, और एक हो गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सर, सर एक्सक्यूज मी सर, ऐसे क्या पास हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सर, चार फ्यूचर जो देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमारे पास टोटल टेंस कितने हो गए, चार परसेंट हो गए, चार पास्ट के हो गए, चार फ्यूचर के हो गए, तो हमारे पास फुल टेंस हो गए। अब हमें ये देखना है कि अभी हमने आइडेंटिफिकेशन देखी कि यदि किसी वाक्य के अंत में है आता है तो वो वाक्य परसेंट टेंस का वाक्य होगा, लेकिन हमें देखना है कि परसेंट टेंस में वो परसेंट इंडेफिनिट का होगा या कंटीन्यूअस का होगा या परफेक्ट का होगा या परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। यानी ऐसे तो हमें सिर्फ इस बात का पता चला कि दिया गया वाक्य परसेंट टेंस का है, लेकिन परसेंट में हम इसको कंटीन्यूअस का माने, हम उसको परफेक्ट का माने, हम उसको इंडेफिनिट का माने या परफेक्ट कंटीन्यूअस का माने, तो इसके लिए भी हमने एक पहचान रखी है। देखिए इसकी पहचान, यहां आपके वाक्य में शब्द होगा रहा, रही और रहे, सॉरी यहां आपके वाक्य में वर्ब होते हैं ता ई होते हैं, यहां आपकी जो पहचान होगी वो होगी रहा सर, और रहे जैसे शब्द। क्योंकि सर आपकी पहचान हो चुका, चुकी
जहां समय दिया हुआ होगा बेटा, समय प्लस से रहा रही या से चुका चुकी चुके ये शब्द है। इन दोनों पहचान के आपको एक चीज देनी है। देखिए आपकी ये जो पहचान है ये वाक्य के अंदर में है, वाक्य के अंदर में, और ये वाला जो पहचान आपकी है ये भी आपको क्रिया करनी है, क्रिया के अंदर। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखिए, अब देखिए ताती के रहा रही चुका चुकी वो समय प्लस से रहा से रही है से चुका से चुकी ये जो पहचान है ये क्रिया के रूप में मिलेगी और है ये पहचान आपके बात के रूप में। अब अपन सेंटेंस को पहचानते हैं हिंदी में, ये देखिए वाक्य है प्रेजेंट टेंस का जो कि इसके अंत में आ रहा है, तो है का मतलब हो गया, और ये देखिए क्रिया के अंत में ता इसका मतलब अजेंट इंडेफिनिट, या देखिए है मतलब प्रेजेंट टेंस और पहले आ गया इसके रहा क्रिया के साथ, तो रहा मतलब कंटिन्यूअस, इसका मतलब वाक्य हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या देखिए वाक्य के अंत में आ गया था, इसका मतलब वाक्य पास्ट टेंस का है और इससे पहले आ रहा है रहा जो कंटिन्यूस की पहचान है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। यहां देखिए गा बता रहा है फ्यूचर टेंस का वाक्य है, लेकिन इधर इससे पहले कोई पहचान नहीं है, तो ऐसा कोई वाक्य प्लीज लिसन मी वेरी अटेंटिवली, ऐसा कोई वाक्य जिसमें ये वाली पहचान नहीं होती है वो वाक्य इंडेफिनिट टेंस का होता है, किसका होता है इंडेफिनिट। तो यहां देखिए ये वाली पहचान नहीं है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। इधर देखिए वाक्य में आ गया है, हाँ मतलब प्रेजेंट टेंस, और है के पहले आ रहा है चुका जो बता रहा है हमें परफेक्ट की पहचान, तो इसका मतलब ये वाक्य हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार से यह देखिए थी यानी पास्ट और यह आ गया थी, तैना देखिए इंडेफिनिट की पहचान है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यहां देखिए तो ये आपका प्रेजेंट और ये रहा रही कंटिन्यूस की पहचान है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस आइडेंटिफिकेशन के बाद हम एक पॉइंट पर तो पहुंचे, क्या कि दिस इज द आइडेंटिफिकेशन बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ द सेंटेंस टू टेंस, यानी दिए गए वाक्य का कनेक्शन हम टेंस के साथ क्या कर सकते हैं आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से टेंस का वाक्य। तो ये तो हिंदी में हमारी पहचान होती है, आपको ये पहचान बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी के शब्दों की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, हम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश में कोई कंपोजिशन लिख रहे होंगे या इंग्लिश में किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे, तो ऐसे में हमारे सामने ये तो लिखा हुआ होगा नहीं कि ता आ गया था गया रहा नहीं आ गया ताती आ गया, तो फिर हम कैसे पहचान, ये पहचानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें इंग्लिश के अंदर भी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में भी पहचान देखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू टेंसेज, यानी टेंसेज के अकॉर्डिंग पहचान हमें देखनी पड़ेगी कि ये कौन सा इसकी पहचान क्या है। तो देखिए
सबसे पहले बात करें तो परसेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगा होता है। आपको आज इस पहचान को याद नहीं करना, लेकिन आपको एक चीज याद करनी है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डच, और इसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डू का जो प्रयोग किया जाता है वो बहुवचन यानी प्लूरल के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये परसेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है या डू या डज में से किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वह वाक्य परसेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इसके बाद करेंगे अपन ईच, एम और आर। यहां देखिए ये एक वचन के लिए यूज होता है, ये आई के लिए यूज होता है और ये बहुवचन के लिए यूज होता है। एक वचन मीन सिंगुलर नंबर, एम सिर्फ आई के लिए यूज होगा, मीन्स एम विल बी यूज्ड ओनली व्हेन द सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज आई। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट में देखिए बेटा हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज या फिर है। हैज का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर नंबर एकवचन के लिए किया जाता है, हैव का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल बहुवचन के लिए किया जाता है, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस ऊपर वाले में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कह होता है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। इसके बाद बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो परसेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज बीन और दूसरी होती है आपकी हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, प्लस इसमें समय दिया हुआ होगा इसलिए या तो सिंस होगा या फिर फॉर होगा और उसके साथ टाइम लिखा हुआ होगा। तो वो जो वाक्य होगा आपका वो परसेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। इसके बाद में यदि अपन बात करें, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। भाई सोनी आपका वीडियो ऑडियो बार बार ऑन करते हो, आप म्यूट करो इसको वरना मैं म्यूट करूंगा क्लास से। साहिल सोनी साहिल सोनी यहां बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यदि अपन बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी पहचान होती है, लेकिन अपन को इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको याद करना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब बिल्ड होती है प्लस इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसकी पहचान है। वॉज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए किया जाएगा, वर्ब का जो प्रयोग है वो प्लूरल के लिए किया जाएगा। यहां अपन बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसके साथ होता है। यहां बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस होगा फॉर होगा और टाइम होगा। देखिए जिसमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब है जैसे इसमें डिड है इसमें हेल्प है, तो
तो सिंगुलर और प्लूरल एक वचन बहुवचन दोनों के लिए इसी का प्रयोग होगा। यहां फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान देना बेटा, अब तक की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज हो रही थी, एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग यूज हो रही थी, लेकिन फ्यूचर टेंस में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो होगा आपका आई और वी के लिए सेल, यानी पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट पर्सन में सेल का प्रयोग होगा और बाकी जितने भी है सेकंड और थर्ड यानी आई और वी को छोड़कर जो भी होगा सब्जेक्ट उसके वी का यूज होगा। यहां बात करें तो वो होगा आपका विल बी या फिर शैल, विल बी या शैल, तो शैल का जो प्रयोग होगा वो भी आई और वी के लिए होगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनडी का आईएनडी होता है। यहां आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल है या शैल है, सेल का प्रयोग वही आई और वी के लिए होगा, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनडी होगा प्लस आपका सिंस होगा या फोर होगा और उसके बाद में टाइम भी होगा। आपको ये आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए, यानी आपको याद क्या करना है, सबसे पहले तो मेन वर्ब को देखिए, जितने भी इंडेफिनिट टेंस है सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, जितने भी कंटीन्यूअस है चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, तीनों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी या नहीं, परफेक्ट जो भी है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों के अंदर क्या आ रहा है, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर भी ये चीज इक्वल है, यानी सबके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनडी का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स, देखने वाली बात यह है कि जब तक हम प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस लर्न नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब को, तब तक हम न तो सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे न हम प्रीपोजिशन पार्ट को कंप्लीट कर पाएंगे और न ही हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को देखें, यानी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि किसी स्टूडेंट ने इस फॉर्मेलिटी को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, हेल्पिंग वर्ब यानी कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, एक तो आपको ये याद करना है, दूसरा आपको याद करना है हिंदी के वाक्य की पहचान कि हिंदी में क्रिया के रूप में तात्पर्य ये भी आता है तो वो इंडेफिनिट होगा, तात्पर्य के साथ है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तात्पर्य के साथ था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, तात्पर्य के साथ गा आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी प्रकार से रहा रही के साथ है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा रही के साथ था आ गया तो पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, रहा रही के साथ था आ गया तो पास्ट कंटीन्यूअस, रहा रही के साथ गा आ गया तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो जैसे हिंदी में अपन ने एक प्रकार से इस आइडेंटिफिकेशन को याद की, वैसे ही हमें याद करनी है ये टेंस की पहचान। मैं फिर बता रहा हूं, आपका 100 नंबर का जो बोर्ड का पेपर है वह 100 नंबर का बोर्ड का पेपर सिर्फ और सिर्फ इस 12 कॉलम का जो हमारा टेंस का चार्ट है इस पर डिपेंड करेगा, यानी टेंसेज हो, वॉइस हो, नरेशन हो, या इसके साथ किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, या फिर हम बात करें तो अपन देख सकते हैं कि किसी कंपोजिशन पार्ट का काम हो, लेटर राइटिंग हो, ए टू जेड कंपोजिशन विल बी बेस्ट ऑन दिस स्ट्रक्चर। आज आप बहुत अच्छे तरीके से ये याद करेंगे कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है और इसके बाद में कल अपन इसी से
ये तो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इस सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर आगे चलेंगे और फिर अपन टेंसेज पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है क्या कि आपको एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीन शॉट लेंगे, इस समय बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और मेरे को मैसेज बॉक्स में बताइए कि हैव यू डन और नॉट। जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए और मुझे बताइए जल्दी से कि आपने ले लिया क्या मैसेज बॉक्स में। बेटा वीडियो इस समय क्लियर है, इस समय क्लियर है, आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे तो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वरना वीडियो देख देख कर जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और कॉपी में आपको नोट डाउन करना ही है, जब तक आपकी कॉपी में ये नोटेड डाउन नहीं रहेगा तब तक आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे। हमारी जो ओरिजिनल कॉपी होगी, एक ही कॉपी बनानी है आपको A4 साइज की, कम से कम 400 पेज की, 400 पेज या 500 पेज की एक ही कॉपी बनानी है जिसके तीन पार्ट हो जाएंगे, पहला पार्ट ग्रामर का, दूसरा पार्ट एक बुक और तीसरा पार्ट एक बुक। ग्रामर में कंपोजिशन पार्ट भी आ जाएगा, तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है समझने में तो वो मेरे को सकता है मैसेज कर चुके। Do you have any problem? Students, do you have any problem? Any queries? कोई क्यूरी नहीं है, ठीक है बेटा, कोई क्यूरी नहीं है।